वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, और आज मैं रोज तो गणित के प्रश्नों को लेकर बोर्ड एग्जाम की तैयारी में आपको टिप्स देता था, लेकिन बहुत मेरे चाहने वालों की डिमांड थी कि सर समाज सोशल साइंस के भी क्वेश्चंस पे आप कुछ वीडियो बनाइए। तो आप लोगों की डिमांड पर ही मैं सोशल साइंस के क्वेश्चंस को आपको आसानी से याद करवाने के प्रयास में ये वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। और ये देखिए, आप देख सकते हैं, क्वेश्चन है 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। बच्चों, ये समाज शास्त्र का, सोशल साइंस का, इतिहास का ये प्रश्न है। प्रश्न है 19वीं सदी में, कब किस समय की बात है? 19वीं सदी की बात है। और कहाँ की बात है? यूरोप की बात है। और क्या होता था? कुछ उद्योगपति मतलब जो कारखाने के मालिक थे, जो व्यापारी थे, वो क्या करते थे? मशीनों के बजाय, मशीन की जगह हाथ से काम करने वाले श्रमिकों, माने लेबर, मेहनतकश मजदूरों को प्राथमिकता देते थे। आप बता सकते हैं प्राथमिकता देते थे मतलब उसको वरीयता, उसको ज्यादा चाहते थे। किसको ज्यादा चाहते थे? मशीन को या श्रमिकों को? शाबाश। तो अब ये इसका हम उत्तर आपके माध्यम से ही देना चाह रहे हैं। तो प्रश्न आपने समझ लिया कि 19वीं सदी में यूरोप के कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। तो अब इसका कारण समझते हैं। तो उनका कारण क्या था? पहला कारण तो मैं आपको बताता हूं, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। भाई ये अगर आपको न भी पता हो तो आप प्रश्न को जब आप समझ जाएंगे तो उसके आंसर उसी प्रश्न में छुपे हुए रहते हैं। अब देखिए, लोगों वो 19वीं सदी में ब्रिटिश में लोग जो व्यापारी थे वो श्रमिकों को ज़्यादा महत्व देते थे, ज़्यादा पसंद करते थे। तो जाहिर सी बात है कि मशीन महंगे होंगे और श्रमिक सस्ते होंगे, मशीन महंगे होंगे और श्रमिक बहुत सस्ते होंगे, और श्रमिक आते होंगे कि हमको भी काम दो, हमको भी काम दो, हमको भी काम दो। इसलिए जब देख रहे होंगे कि श्रमिक जो हैं वो तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, सस्ते में उपलब्ध हो जाते हैं। और इसी कारण से विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन, ये विक्टोरिया कालीन की बात क्या है कि वो उस पीरियड में विक्टोरिया महारानी का शासन था ब्रिटेन में, और उसमें मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। इसलिए कुछ उद्योगपति मशीन महंगे थे, इसलिए श्रमिकों को, काम करने वालों श्रमिकों को, जो बेकार श्रमिक नहीं, काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे, वरीयता देते थे, पहले उसको पसंद करते। दूसरा कारण, कुछ उद्योगपति बड़ी मशीनों पर भारी खर्च करने से हिचकिचाते थे। ये इसका भी आंसर आप अगर नहीं याद है तो भी आप दे सकते हो। भाई बड़ी मशीन खरीदने में कोई कम पैसे लगेंगे तो नहीं? कम पैसे लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे। तो वो जो उद्योगपति थे वो ज़्यादा पैसे लगाने से, भारी मशीन खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे लगाने से हिचकिचाते थे, क्योंकि ये भी रिस्क था कि मशीन तो लगा लेंगे लेकिन उनको लगाने से लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ज़्यादा पूंजी फंसाना नहीं चाहते थे। और अगला क्या है,
बहुत से ऐसे उद्योग हैं जहाँ श्रमिकों की संख्या घटती बढ़ती रहती है, जैसे गैस घर में, शराब खाने में, बंदरगाह में, जहाज़ों की मरम्मत और साफ सफाई के काम में मजदूर की संख्या घटती बढ़ती रहती है। तो ऐसे उद्योग में उद्योगपति मशीनों के बजाय मजदूरों को ही काम पर रखना पसंद करते थे, है ना। जब जरूरत पड़ा तो मजदूरों को बढ़ा लिया, जब प्रोडक्शन कम हुआ तो मजदूरों को घटा लिया। तो मजदूरों की संख्या में कमी बेसी करने की सुविधा थी, लेकिन मशीन लगाने से तो ये नहीं कर सकते ना कि एक मशीन लगा दिया और कल प्रोडक्शन कम है तो मशीन को हटा देंगे, क्योंकि भारी पूंजी खर्च हो जाती थी। इसलिए लोग उद्योगपति मजदूरों को काम पर रखना पसंद करते थे। अगला, थोड़ी यदि थोड़ी मात्रा में चीज़ें तैयार करनी होती थी तो मशीनों के बजाय मजदूरों से काम करवाना बेहतर समझा जाता था। अब जैसे कि आपको छोटा सा उत्पादन करना है, अब थोड़े से उत्पादन के लिए करोड़ों रुपए की मशीन कोई खरीदना बेवकूफ़ी की ही बात होगी। तो इसलिए थोड़ी मात्रा में जब चीज़ें उत्पादन करनी होती थी तो इसलिए भी मजदूर मशीनों के बजाय मजदूरों से काम करवाना उद्योगपति बेहतर समझते थे। और कुछ वस्तुओं में लोग खास डिज़ाइन की मांग करते थे। अगला रीज़न ये भी है कि कुछ लोगों की डिमांड होती थी कि हमें इस डिज़ाइन का माल चाहिए, हमें उस डिज़ाइन, अलग अलग डिज़ाइन की डिमांड करते थे। मशीन है तो वो तो एक ही डिज़ाइन के माल तैयार करेंगे, इसलिए भी मशीन के बजाय लोग जो उद्योगपति थे वो मजदूरों से काम करवाना बेहतर समझते थे। कुछ वस्तुओं में लोग खास डिज़ाइन की मांग करते थे जिससे उन्हें मशीनों पर बनाना बहुत महंगा पड़ता था और कठिन भी होता था। इसलिए ऐसे कामों में मशीनों की अपेक्षा मजदूरों को अच्छा समझा जाता था। वहाँ यांत्रिक प्रौद्योगिकी की नहीं वरन इंसानी निपुणता की आवश्यकता, वहाँ मैकेनिकल टेक्निकलिटी की जरूरत नहीं होती थी, मशीन के टेक्निकल की जरूरत नहीं होती थी, इंसान के हाथ की निपुणता की वहाँ आवश्यकता पड़ती थी। और इसीलिए 19वीं सदी में यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। और उम्मीद है आपको ये आंसर याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।